जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन जो अपनी अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, कंपैशन यानी कि हमदर्दी और लिबरेशन यानी कि मुक्ति उसके लिए जाना जाता है। जैनिज्म की शुरुआत हिंदुइज्म से ही होती है। हिंदुइज्म के अंदर जब क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई होने लगी और हिंदू लोग जब अपनी मान्यता यानी कि रूढ़ी जो है, रिचुअल्स जो है, उसके बारे में थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए, तब शुरुआत हुई जैनिज्म की। जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जो तीर्थंकर है उन्होंने ही जैनिज्म की शुरुआत की है और वहीं से ही जैनिज्म की नींव रखी जाती है। 24वें तीर्थंकर महावीर जो है वो सबसे मुख्य तीर्थंकर माने जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, और उसी जिज्ञासा से पूरे रिलीजन को एक्सप्लोर करेंगे। जैनिज्म भी बुद्धिज्म की तरह 8 कोर प्रिंसिपल से बना हुआ है। 8 मुख्य चीज़ें हैं जो जैनिज्म को समझाती है, लेकिन अनलाइक बुद्धिज्म इसके अंदर जो 8 है वो 2 भागों में डिवाइड किए गए। 3 जो है वो ज्वेल्स गिने जाते हैं और बाकी के 5 जो है वो महाव्रत गिने जाते हैं। महाव्रत जो है वो जब आप लिबरेशन की राह में जाते हैं तब लिए जाते हैं, लेकिन ये 3 ज्वेल जो है वो आप एज ए जैन भी आपको फॉलो करने। चलिए आज इस 8 प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करते हैं। जैनिज्म के प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं सबसे पहले अनेकांतवाद से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुइज्म वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैनिज्म के हिसाब से एक हाथी था और वहाँ पे 5 अंधे लोग आए। 5 अंधे लोगों में से एक सूंड की तरफ पहुँचा, दूसरा हाथी के कान की तरफ पहुँचा, तीसरा हाथी के पैर की तरफ पहुँचा, चौथा हाथी के पेट की तरफ पहुँचा और पांचवा हाथी की पूंछ की तरफ पहुँचा। अब अंध आदमी ने जब हाथी को छुआ तो सबका जो हाथी के बारे में कहना था वो सबका अलग अलग था। जो सूंड के पास था उसने कहा कि ये तो सर्प है यानी कि सांप है। जो कान के पास था उसने कहा कि ये तो पंखा है। जो पैर के पास था उसने कहा कि ये तो पेड़ है। जो पेट की तरफ था उसने कहा कि ये तो दीवाल है। और जो पूंछ की तरफ था उसने कहा कि ये तो एक रस्सी है। इन 5 के इंटरप्रिटेशन को अगर हम देखें तो ये 5 सही बातें कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और यही है अनेकांतवाद का प्रिंसिपल। जैनिज्म और हिंदुइज्म के हिसाब से सत्य को पाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, और ये अलग अलग रास्ते कहीं ना कहीं हाथी को ही दिखाते हैं। तो अगर किसी इंसान का रास्ता अलग है सत्य को पाने का, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी गलत है। उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सत्य का ही इंटरप्रिटेशन, और इसी के कारण हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों में अलग अलग धर्मों का समावेश होता है और एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि ये अनेकांतवाद का प्रिंसिपल है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिलोसफी इन एनी रिलीजन। अब हम जैनिज्म को जानने के लिए उनके लोगो या फिर एम्बलम या फिर सिंबल को देखें, जैसे भी आप कहें उसे। लेकिन इस सिंबल जो है अगर सिर्फ हम उसे देखें तो भी हमें पूरा जैनिज्म समझ में आ सकता है। शुरुआत करते हैं, पहली चीज़ जो आपकी आंखों ने नोटिस की वो है उसका शेप। शेप जो है उसका ऊपरी भाग जो है वो हेवन दिखाता है यानी कि स्वर्ग दिखाता है। उसके नीचे वाला भाग जो कि हेवन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो है पृथ्वी, कि हेवन की एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज़ें पृथ्वी पर रखी हुई है। फिर नीचे जो ढड़ाव है वो है हेल। ये जो है ये इंटरप्रिटेशन दिखाता है कि कैसे जैनिज्म 3 रेल्म्स में मानता है, लेकिन इसके अंदर चौथा रेल्म भी है। जो आप सेमी सर्कल देखते हैं ऊपर, ये दिखाता है सिद्धशिला। सिद्धशिला का मतलब है कि जब भी कोई आदमी मोक्ष प्राप्त करता है तो वो इस सिद्धशिला में रहता है। ये 3 रेल्म से भी ऊपर का है, यहाँ पे कोई मृत्यु नहीं होती, कोई जन्म नहीं होता, और हर एक आदमी जो उसके नीचे 3 डॉट दिए गए हैं उससे उस सिद्धशिला में पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये 3 डॉट जो है वो 3 ज्वेल को डिफाइन करते हैं। पहला है राइट फेथ, दूसरा है राइट नॉलेज, और तीसरा है राइट बिहेवियर। राइट फेथ मतलब कि जीव और अजीव के बीच में आप जिस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, आप जिस प्रकार की नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसके हिसाब से आप जीव और अजीव के बीच में आपके कर्मा के बेसिस पे इन री इंकारनेट होते रहते हैं। जी हाँ, जैनिज्म जो है वो पुनर्जन्म में मानते हैं। तो राइट फेथ, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि आपका कर्मा जो है वही आप जीव अजीव की साइकिल में रखेगा, तो आप राइट फेथ कर सकते हैं। उसके बाद आता है राइट नॉलेज, यानी कि शिक्षा उस प्रकार से ले कि जिससे आपको दुनिया के बारे में ऐसा पता चल सके कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य की प्राप्ति करना ही राइट नॉलेज है। उसके बाद आता है राइट बिहेवियर, यानी कि आप नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, राइट कंडक्ट, सत्य बोलना, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका एक राइट बिहेवियर होता है। अगर एज ए जैन आप इन 3 वाव्स को भी या फिर इन 3 ज्वेल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी आप लिबरेशन की राह पर जा सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन पोजेशन, यानी कि आपके पास जो भी धन, कपड़े, सारी चीज़ें हैं उसका
दान कर देना, उसको पोजेस ना करना। जैन सब का ये बहुत ही कोर प्रिंसिपल है कि जहाँ पे वो लोग अपनी जो वस्तुएं होती है उसको छोड़ देते हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ से अटैच ना होना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लिबरेशन की तरफ पहुँचने के लिए। और यहीं पर ये बुद्धिज्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो पेन को अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पेन भी मिले तो भी आप लिबरेशन की राह में उस पेन को भी सह लेंगे, लेकिन आप किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होनेंगे किसी जगह, किसी वस्तु, किसी इंसान से आपका अटैचमेंट। उसके अलावा अगर हम सिंबल में नीचे आए तो स्वस्तिका आता है, यानी कि जो हिंदू मान्यता है कि आप इस सृष्टि में चार रूप में आ सकते हैं, या तो आप हेवन में हो सकते हैं, या तो आप हेल में हो सकते हैं, या तो आप इंसान हो सकते हैं, या तो आप जानवर हो सकते हैं। तो ये भी इनका एक कोर प्रिंसिपल है, इसीलिए इनके लोगों में ये रखा गया है। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो ये हाथ सिंबलाइज करता है फियरलेस नॉन वायलेंस, यानी कि जैनिज्म जो है वहाँ पे आपको फियरलेस होना प्रमोट किया जाता है, लेकिन आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना भी प्रमोट किया जाता है। तो ये हाथ वो सिंबलाइज करता है। इस हाथ के ऊपर जो चक्र बना हुआ है वो है जीवन का चक्र, यानी कि मृत्यु और जन्म की साइकिल जो है वो है ये चक्र। इस चक्र के अंदर 24 स्पाइक रखे गए हैं जो सिंबलाइज करता है 24 तीर्थंकरों को। तो कुल मिला कि ये लोगो जो है उसके नीचे एक मंत्र दिया गया है। इस मंत्र में कहा गया है कि ऑल लाइफ इज बाउंड टुगेदर बाय म्यूचुअल सपोर्ट एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी कि यहाँ पे यूनिटी की बात की गई, यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंस की बात की गई है कि आप एक दूसरे को, हर एक जीव और अजीव एक दूसरे की सहायता से ही जीव और अजीव। ये पूरा लोगो जो है वो जैनिज्म के प्रिंसिपल को समझाता है, हालांकि एक वीडियो में किसी भी प्रकार के रिलीजन कवर करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने अपनी जो डिटेल पेपर है वो उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको जैनिज्म के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एक इंडियन रिलीजन जो कि सिखिज्म के बारे में।